लोकसभा की सीटों के ऐलान के बाद बीजेपी ने बिहार, यूपी और तमिलनाडु समेत कई बड़े राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक समझौता होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि महाराष्ट्र में 42 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें, यूपी पहला राज्य है जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां एनडीए सीटों को लेकर क्लियर है, वहीं महाराष्ट्र में पेच फंसता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस बीच 20 सीटों के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार के आने के बाद राज ठाकरे को एनडीए में लाने की कवायद तेज है, इसलिए शायद बहुत सारी ऐसी सीटें बची हैं जिन पर की अभी ऐलान नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साथ हैं, फिर राज ठाकरे की आवश्यकता बीजेपी को क्यों है? क्या एनडीए में राज ठाकरे के जाने से उद्धव के वोट बैंक में सेंधमारी होगी? दरअसल बीजेपी सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि राज ठाकरे को साथ लाकर दक्षिण मुंबई की सीट को साधने की तैयारी है। इस सीट में अरविंद सावंत लगातार सांसद चुने जाते हैं, उनकी एक मराठा नेता की इमेज है, इसके मुकाबले बीजेपी के पास कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं दिखता है। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में मिलिंद देवड़ा को हराकर ये जीत हासिल की थी। इसके अलावा 2014 में भी वो जीते थे। अब मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे खेमे की शिवसेना में चले गए हैं। बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण मुंबई सीट गठबंधन से उसे मिल जाए और वहां से किसी मजबूत मराठा नेता को वो उतारे। दक्षिण मुंबई वो क्षेत्र है जहां राज ठाकरे का भी प्रभाव है, ऐसे में ये सीट उन्हें ही मिल सकती है और उनकी पार्टी के नेता बाला नंदगांवकर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। बाला नंदगांवकर की छवि भी एक मजबूत मराठा नेता के रूप में दिखाई पड़ती है महाराष्ट्र में, मुंबई। इसके अलावा पूरे मुंबई और आसपास के इलाके में बीजेपी को ताकत मिलेगी, ये भी बात कही जा रही है। इसकी वजह यह भी है कि मनसे का भी एक प्रभाव क्षेत्र है। 2009 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एमएनएस के करीब 5.5% वोट है। 2014 के बाद से ये कम होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह बीजेपी की उभरती शक्ति है। लेकिन अब जो भी वोट बैंक है भी वो यदि बीजेपी के साथ आता है तो एक और एक 11 जैसी स्थिति बीजेपी के सामने होगी। इसके अलावा बीजेपी की रणनीति ये भी है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे गुट पर भी दबाव बनाकर रखा जाए। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के प्रभाव वाले क्षेत्र एमएनएस को मौका देकर उन पर भी दबाव बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी सूत्रों का यह भी दावा है कि राज ठाकरे की बहुत जल्द अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। इसी दौरान कोई समझौता होगा, हालांकि मीटिंग अब तक हुई नहीं। आपको बता दें, राज ठाकरे भी बीते कई सालों से लगातार राजनीतिक नेपथ्य में है, राजनीतिक कद तलाश रहे हैं। उनका एक वोट बैंक तो है, लेकिन अकेले के दम पर वो कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में यदि एक सीट भी बीजेपी के साथ जाने पर उन्हें मिल जाती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के लिए वो बड़ी सफलता होगी। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका, जो कि INDIA गठबंधन की मुख्य पार्टी के रूप में लगा था महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस के नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए। वल्वी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में आए थे। पद्माकर वल्वी नंदूरबार जिले से 3 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस NCP की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक के बाद एक बड़ा झटका INDIA गठबंधन को महाराष्ट्र में भी लगा है, लेकिन अब जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं और उनकी अमित शाह से मुलाकात को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि अब तक कोई मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा कि एक बेल्ट को, एक कोर वोटर को मजबूत करने के लिहाज से शायद राज ठाकरे NDA का हिस्सा बने। हालांकि मनसे और राज ठाकरे की ओर से औपचारिक ऐलान इस बात पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही खेमों में राज ठाकरे की बहुत पूछ दिखाई पड़ती है, चाहे वो INDIA का खेमा हो या NDA का खेमा। तय करना है राज ठाकरे को कि वो किस ओर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।